अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आज हम सफ़र करने वाले हैं। रोड के ऊपर जो पोल होते हैं, खम्भे, तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे पूरी डिटेल से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइए ये वीडियो किस जगह का है। ये गाड़ी में खम्भे रखे हुए हैं। ये दो पार्ट में हैं, एक नीचे का पार्ट है, एक ऊपर का पार्ट है, दो पार्ट पे। और सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको नीचे का पार्ट का। ये देखिए, ये खम्भा रखा हुआ है। इस खम्भे के जो पन्नी लगी हुई, वो पन्नी को अपन चाकू से काट रहे हैं और इस पन्नी को अलग कर दिए। और इसके बाद ये दूसरा पार्ट है, ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है उस खम्भे का, ये टॉप का है। और इस खम्भे में अब ये दोनों को ज्वाइंट करेंगे। जी हाँ, अब इस खम्भे को ज्वाइंट करेंगे तो ये पूरा ही खम्भा बन के तैयार होगा। बाकी अभी उसमें बहुत सा काम बाकी है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से अपना कनेक्शन होगा, लाइट के लिए सप्लाई दी जाएगी। और ये देखिए, ये पहला एक कवर डाला और दूसरा कवर ये डाला गया। ये कवर जो है, ये नट बोल्ट के पास टाइट करने के बाद इस कवर को लगा दिया जाएगा। और वो एक कवर जो अपन ने पहले देखा, उस कवर को नीचे फाउंडेशन में, जब उसको नट बोल्ट हो जाएंगे तो उसको फिर वहाँ पे लगा दिया जाएगा, तो भी कवर हो गया। अब ये हम तार डाल के हम इसके लिए लाइट का जो वायर है, उस वायर को इसके अंदर निकालेंगे। ये अपन ने वायर निकालने के लिए तरीका अपन ने आज बनाया है। ये देखिए, अब ये यहाँ पे ज्वाइंट करके, और ये देखिए ये, और ये हम इसको इस खम्भे में ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ये ज्वाइंट कर दिए हमने, ये हमारा खम्मा ज्वाइंट हुआ। अब इसके बाद ये पूरा खम्मा तैयार होता है। अब तैयार होने के बाद अभी इसमें लाइटिंग का काम बाकी है, इसका और भी काम बाकी है, वो भी हम आपको डिटेल वाई डिटेल बताएंगे। अब ये देखिए आप, ये यहाँ से अपन को
सप्लाई के लिए दिया है, ये अपन ये होल है सप्लाई के लिए निकालने के लिए वायर है, और ये खम्मा जो है ये फाइबर का है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा खम्मा फाइबर का है। और इसके बाद ये करेक्शन देने के बाद हम इस कवर को ऐसा लगा देंगे तो ये हमारा सेपरेट हो गया। ये हमारी एलईडी लाइट है, ये हमारी एलईडी लाइट है, और इस एलईडी लाइट को दो नट बोल्ट और एक क्लैंप के द्वारा अपन इसको टाइट करते हैं तो अपना ऐसा रेडी होता है। और उसके साथ भी अब हम ये देखिए, ये हमारा खम्भे का नीचे का पार्टीशन है, और ये चार, इसमें पांच होल हैं लेकिन हम चार होल में नट बोल्टिंग करेंगे। अब ये देखिए, आप नट बोल्टिंग को अपन क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, और ये जो हमने आपको दिखा रहे हैं ये वायर का कनेक्शन के लिए, और ये दूसरे पोल के लिए कनेक्शन जाएगा। और ये जैसे आपने देखा, ये दोनों वायर एक दोनों उसी में कनेक्शन होंगे लेकिन दूसरे के लिए, और ये नट बोल्ट के लिए है, ये नट बोल्ट खोला है। और ये हमारा एक अर्थिंग का पाइप है जो हम उस खम्भे में अर्थिंग, ये हमारी अर्थिंग वाली पट्टी है जो हम खम्भे से उस पाइप में कनेक्शन करेंगे। और ये हमने पोल खड़ा करने के लिए हमने तैयार किया है, और ये हमने सब लेके खड़े कर रहे हैं। ये पोल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इस पोल को हम पूरा ही खड़ा करेंगे। और ये आप देखिए, वो तार जो है उस पाइप के अंदर वो तार को डालते जा रहे हैं, और उस तार को पूरा डालने के बाद अब इस पाइप को, मतलब इस खम्भे को, जी हाँ इस खम्भे को, ये ट्विन, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इसमें दिख रही हैं। ये देखिए खम्भा खड़ा भी हो रहा है, इसमें जो खम्भा है तो इसमें ओम लिखा हुआ है, इसमें शंकर जी का डमरू बना हुआ है, इसमें त्रिशूल बना हुआ है, और इसमें लाइट भी लगी हुई है। जी ये लाइट भी लगी हुई, और इसमें जो है ये सारी सुविधाएं बनी हुई हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। और इस लाइट के साथ साथ अब इसमें देखने का भी एक खूबसूरत ही कलर है। और इसके बाद ये देखिए, ये पट्टी है, हमने आपको बताया था अर्थिंग पट्टी, ये अर्थिंग यहाँ पे लगा हुआ है और ये पट्टी बाहर निकली हुई है। और हम ये नट बोल्ट लगा रहे हैं, ये देखिए आप, ये सब जितने भी वर्कर हैं ये खम्भे को खड़ा करने के लिए, ये आप कवर देख रहे हैं, ये कवर फाउंडेशन में जहाँ भी नट बोल्ट किया गया है वो कवर वहाँ पर डाला जाएगा। और इसके ऊपर का जो आप देख रहे हैं ये ठीक, यहाँ पे भी एक कवर लगा हुआ है,